We are reading chapter one, Understanding Diversity of Civics. So let's continue from page number nine.

डेजर्ट एरिया है ओके रेगिस्तानी इलाका यहाँ पर बहुत ही कम एग्रीकल्चर मीन खेती संभव है क्योंकि इस एरिया में रेन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती और ये रीजन हर है ना ईच ईयर एवरी ईयर ओके हर वर्ष काफी लंबे समय तक स्नो मीन्स बर्फ से ढका रहता है इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं पीने के पानी के लिए लोग समर सीजन में समर जो मंथ होते हैं उसमें पिघलने वाली स्नो पर निर्भर रहते हैं ठीक है उससे फिर पीने का पानी इन्हें मिलता है यहाँ के लोग एक खास किस्म की गोट पालते हैं बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना वूल मिलता है और ये वूल बहुत प्रीसियस है इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस वूल को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं वहां के जो मर्चेंट्स होते हैं उनको ट्रेडर्स को बेच देते हैं ठीक है कश्मीर में ही पश्मीना शॉल्स बुनी जाती हैं, वुवन, ओके

गॉड्स और याक होती हैं। डेजर्ट होने का ये मतलब नहीं है कि ट्रेडर्स यहाँ आने के लिए अट्रैक्टिव नहीं होते नहीं हुए लद्दाख तो ट्रेडिंग के मामले में है ना ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई हिल्स है जिनसे गुजर कर मिडिल एशिया के जो काफिले होते हैं उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं ये काफिले अपने साथ स्पाइसेस रेशम है ना मीन सिल्क दरिया आदि लेकर चलते थे दरिया को इंग्लिश में हम कारपेट्स भी कहते हैं ओके तो लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध रिलीजियन तिब्बत पहुंचा लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, है ना करीब चार सौ फोर हंड्रेड इगो यहाँ पर लोगों का स्लाम से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम्स रहते हैं। लद्दाख में और का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है यहाँ पर ठीक है मौखिक संग्रह ओरल ट्रेडिशन तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में बहुत फेमस है उसके स्थानीय रूप को मुस्लिम और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं अब आती है केरल की बात केरल इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर A Number of spices like pepper, cloves, and cardamoms are grown on the hills. It is spices that made this reason. Okay, an attractive place for traders. Jewish and Arab traders were the first to come here. The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly. So, Keral, India, ke. Southwest. साउथ वेस्ट कॉर्नर में बसा हुआ एक स्टेट है ये एक तरफ सी से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ हिल्स से इन हिल्स पर कई प्रकार के स्पाइसेस जैसे पेपर मीन्स होता है काली मिर्च क्लोव मीन्स होता है लौंग और कार्डमम का मीन्स होता है इलायची है ना यहाँ पर उगाए जाते हैं और इन स्पाइसेस के कारण ये रीजन ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव बना हुआ है सबसे पहले अरबी और यहूदी जेविस जो कहा गया है ना सबसे पहले अरबी और यहूदी ट्रेडर्स जो थे वो केरल आए ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट के जो धर्मदूत सेंट थॉमस लगभग टू थाउजेंड ईयर्स एगो यहाँ आए इंडिया में क्रिश्चियन रिलीजन लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है तो अरब से कई ट्रेडर्स यहाँ आकर बस गए इब्न ने जो करीब एगो हंड्रेड आए है ना 700 साल पहले यहाँ आए अपनी जर्नी जो थी ठीक है उसके बारे में मुसलमानों के उसके बारे में मुस्लिम्स के लाइफ का विवरण देते हुए लिखा है कि मुस्लिम समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से इंडिया तक का समुद्री रास्ता जाना ठीक है सी रूट जाना इन सभी हिस्टोरिकल इंफ्लुएंस मीन्स प्रभावों के कारण केरल के लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन का पालन करते हैं जिनमें पारसी जो है है ना जूडिज्म इस्लाम क्रिश्चियनिटी, ओके हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजन भी शामिल है चीन के चाइना के ट्रेडर्स भी केरल आए यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो ये लोग नेट यूज किए जाते थे है ना वो चीनी जालों से हूबहू मिलते थे और इन्हें चीना वाला भी कहते हैं ठीक है इससे सॉरी तलने के लिए लोग जो बर्तन यूज करते थे उसे चीना चट्टी कहते हैं इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई होगी केरल की फर्टाइल जो लैंड है केरल का है ना और वहां का क्लाइमेट राइस है ना चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहां के ज्यादातर लोग फिश वेजिटेबल और राइस खाते हैं तो जहाँ केरल और लद्दाख के जियोग्राफिकल फीचर्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है वही हम यह भी देखते हैं कि दोनों एरिया के हिस्ट्री में भी एक ही प्रकार के कल्चरल इन्फ्लुएंस हैं ठीक है दोनों ही एरिया को चीन और अरब से आने वाले ट्रेडर्स ने प्रभावित किया जहाँ केरल की जियोग्राफिकल फीचर ने स्पाइसिस की खेती संभव बनाई वही लद्दाख की विशेष जियोग्राफिकल जियोग्राफी ने है ना जियोग्राफी और वूल ने ट्रेडर्स को अपनी ओर खींचा तो इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के कल्चरल लाइफ का उसके हिस्ट्री और जियोग्राफी से कितना गहरा रिश्ता होता है है ना डिफरेंट कल्चर का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है हमारे प्रेजेंट की जो लाइफ है उसका आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं ठीक इसी तरह अपने परो पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोग के साथ रहते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल जाते हैं ठीक है नाउ

को उसकी ताकत का माना गया है। जब ब्रिटिशर्स का इंडिया पर कब्जा था तो डिफरेंट खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट मीन स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया ठीक है मूवमेंट किया उन्होंने इकट्ठे जेल गए और ब्रिटिशर्स का अलग-अलग तरीकों से विरोध किया अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे ओके ये गीत ये यहाँ एक आपको देख सकते हैं एक सॉन्ग दिया हुआ है डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड है ना कि दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना इन द माइडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बताती हूँ सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े वीरान इस चमन में कोई गिल खिला के जाना दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना गोली खा के सोए जलिया बाग में हम सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली बहते हैं एक रम रंग में दामन भीगो के जाना दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना ठीक है तो ये जो सॉन्ग था अमृतसर में हुए जलिया वाला बाग मास्कर के बाद गाया जाता था इस मास्कर है ना के बाद सॉरी इस माशकर है ना इस हत्याकांड में माशकर मीन से यहाँ पर हत्याकांड इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्ते लोगों पर खुले आम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में गार्डन में इकट्ठे होकर असेंबली कर रहे थे यहाँ पर महिला पुरुष हिंदू मुसलमान सिख कितने सारे लोग थे जो ब्रिटिशर्स की पक्षपात पूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे उसमें बहुत से बहुत से लोगों की जाने गई और उसमें उससे भी ज्यादा घायल हुए तो ये सॉन्ग उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे सॉन्ग और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं इंडियन फ्लैग की तो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ही इंडिया के फ्लैग की परिकल्पना की गई थी इस फ्लैग को सारे इंडिया में लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया था जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक भारत की खोज है ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि भारतीय एकता इंडियन यूनिटी कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है बल्कि ये बहुत ही गहरी जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है यह नेहरू भी थे जिन्होंने भारत की डायवर्सिटी का वर्णन करते हुए यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का विचार हमें दिया था ठीक है तो यहाँ एक और चीज बताई गई है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा नेशनल एंथम भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है नेशनल किस तरह से यूनिटी का वर्णन करता है इसे अपने शब्दों में आपको लिखना है तो यहाँ ये लेसन कंप्लीट होता है आपका और इसके आगे ही क्वेश्चन आंसर मैं पेस्ट करूंगी ठीक है वो आप देखेंगे और अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे ओके